Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important topic which is FATE. तो ये बहुत ही important topic है जो third year में syllabus में भी है और entrance point of view से भी काफ़ी important है, तो इसकी थोड़ी सी basic हम आज discuss करेंगे, बाकी हम अगली video में करेंगे। तो देखते हैं कि actually FATE है क्या और ये क्यों transistor के ऊपर आगे हमें इसको डिस्कस करना पड़ा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर के कितने टाइप के होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फेट बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड है, एक होता है जे फेट और दूसरा मास फेट। जे फेट को हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और साथ साथ हम फेट को भी बता दें तो ये फील्ड इफेक्ट और ट्रांजिस्टर, फेट का मतलब है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ऐसा कोई ट्रांजिस्टर जो फील्ड द्वारा इफेक्टेड हो, फील्ड यहाँ पे जो कंट्रोलिंग होगी वो फील्ड के थ्रू होगी, तो फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर को हम बोलते हैं शॉर्ट में फेट। उसी तरीके से मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो एक तरीके का जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो दो तरीके से फिर डिवाइड है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में दो टाइप से कंस्ट्रक्शन है इसका, जैसे एक हो हमारा एन चैनल जे फिट और दूसरा पी चैनल जे फिट। उसी तरीके से मॉसफेट भी दो तरीके से डिवाइड है, एक होता है डी मॉसफेट या ऐसे कह सकते हैं डिप्लीशन मॉसफेट और दूसरा है एनहांसमेंट या यहाँ टाइप भी लिख सकते हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट या एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं फेट के ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि पहले हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को समझ लें, उसके बाद फिर हम इसकी जो डिफरेंस होंगी ट्रांजिस्टर और फेट का वो हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हमें फेट पता ही नहीं है तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, तो फिलहाल हम लोग फेट को समझने की कोशिश करते हैं। जे फेट जो है वो दो बार पार्ट्स में डिवाइड है, एन चैनल जे फेट और पी चैनल जे फेट। उसी तरीके से मेटल ऑक्साइड फेट भी इस तरह से डिवाइड है, इसमें जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डी मॉसफेट और दूसरा है ई मॉसफेट। यानी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को हम डिप्लीशन टाइप से भी यूज कर सकते हैं और इन्हांसमेंट टाइप से भी, ई मतलब इन्हांसमेंट, तो इन्हांसमेंट टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं और इसको डिप्लीशन टाइप से भी यूज कर सकते हैं। इन्हांसमेंट टाइप मेथड से हम केवल इन्हांसमेंट कर सकते हैं और जैसा कि नाम से स्पष्ट है इन्हांस यानी यहाँ पर कुछ इंक्रीज़ होने वाला है, यहाँ डिप्लीटेड तो करेंट इंक्रीज़ होती है, यहाँ करेंट डिक्रीज होती है। तो ये पूरा जो ट्रांजिस्टर है वो कुछ कंट्रोलिंग बेस पर काम करता है, हम यहाँ पे करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर में हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जितना हम एमिटर के थ्रू देते थे उतना हमें कलेक्टर के थ्रू आउटपुट में मिलता था, लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल होता है गेट। तो थोड़ा सा इसके टर्मिनल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिर फेट को देखते हैं, तो जेफेट में दो पार्ट है, एक एन चैनल जेफेट और दूसरा पी चैनल जेफेट।
पी चैनल जेफेट। अब जैसे ट्रांजिस्टर में सिंबल होता है उसी तरीके से इसका भी सिंबल होता है, और इसमें जैसे तीन टर्मिनल ट्रांजिस्टर के होते थे उसी तरीके से तीन टर्मिनल यहाँ भी होते हैं। वो तीनों टर्मिनल क्या हैं, पहला है सोर्स, दूसरा गेट और तीसरा टर्मिनल ड्रेन। तो सोर्स यहाँ इमीटर जैसा, जैसे हम इमीटर के थ्रू इनपुट देते थे तो यहाँ सोर्स के थ्रू हम इनपुट का काम करेंगे, उसी तरीके से ड्रेन के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं, आउटपुट जो कलेक्टर जैसा बिहेव करेगा, और ये कुछ कुछ इमीटर जैसा, क्योंकि हमारा सारा इनपुट प्रोसेस सोर्स के थ्रू होगा। गेट यहाँ एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस यूज होगा, जो वहाँ बेस की तरह था, बेस था, यहाँ पे गेट एक तरह से कंट्रोलर है, कंट्रोलर जैसा काम करेगा। तो जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे गेट ही है, इसी के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं गेट को। अगर हम गेट को पॉजिटिव दें या निगेटिव दें उसके हिसाब से ये करेंट को, ड्रेन करेंट को कंट्रोल करता है। तो थोड़ा इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंबल में ही हम तीनों टर्मिनल देख लेंगे। तो सिंबल कुछ इस तरह से है इसका, यहाँ पे गेट होता है, इधर सोर्स, यहाँ पे ड्रेन, और ये कुछ पाई जैसा। और इसको बोलते हैं एन चैनल जेफेट, और ये है गेट। तो अगर टुवर्ड्स द गेट होगा डायरेक्शन, टुवर्ड्स द गेट, इसको बोलेंगे पी चैनल, पी चैनल जेफेट। और अगर अवे फ्रॉम द गेट होगा इसको बोलते हैं गेट, ये है ड्रेन और यह है सोर्स, ठीक है। तो ये है सिंपल सा इसका सिंबल, सिंबल जैसा याद होगा आपको ट्रांजिस्टर में हम कुछ इस तरह से टर्मिनल बनाते थे, ऐसा कुछ। अब इसको कॉमन कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इधर इमीटर है और इधर हमारा बेस है और इधर कलेक्टर है। तो अगर ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द बेस होता था तो इसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते थे, और अवे फ्रॉम द बेस होता है अगर तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम द बेस होता था तो इसको हम एनपीएन बोलते थे, इमीटर बेस कलेक्टर। ये था एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसी तरीके से यहाँ एरो वाइज हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को ही। गेट से अगर दूर की तरफ एरो है तो एन चैनल जेफेट, टुवर्ड्स द गेट एरो है तो पी चैनल जेफेट। अब इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट आएगा, तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे होगा। तो ज़्यादा हम इसमें एन चैनल को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि यहाँ जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा अच्छा होता है पीएनपी के कंपैरिजन में, उसी तरीके से हम वर्किंग वगैरह सारा जेन चैनल का ही देखते हैं, पी चैनल उसी तरीके से समझ लेते हैं। तो एन चैनल जेफेट जो है इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक एन टाइप का बार लेंगे, इस तरह से एन टाइप का बार। इसके एक तरफ हम सोर्स ले लेंगे, यहाँ कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं ओमिक कांटेक्ट के लिए दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रेन टर्मिनल, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं सोर्स टर्मिनल। इधर दोनों साइड से गेट, और ये इंटरनली कनेक्टेड होता है दोनों तरफ से ऐसा गेट। और ये है एन टाइप का। तो इसमें जो हम डोपिंग कराते हैं वो पी टाइप से कराएंगे। अगर एन चैनल है
एन चैनल अगर हमको कंस्ट्रक्ट करना है एन चैनल जे फेट, तो इसमें हम डोपिंग कराते हैं पी टाइप से, तो जो डोपिंग होगा हमारा पी टाइप के मटेरियल से होगा कुछ इस तरीके से, पी प्लस। तो हैवीली डोप्ड होता है इसलिए हम नोटेशन पी प्लस कर रहे हैं, तो ये हैवीली डोप्ड एरिया है, हैवीली डोप्ड। तो एन टाइप के बार में, एन टाइप सेमीकंडक्टर बार में पी टाइप की हम हैवीली डोपिंग कराएंगे और कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है, ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। उसी तरीके से हम पी टाइप का कंस्ट्रक्शन भी बना सकते हैं या पी चैनल जे फिट बना सकते हैं। यहाँ पी टाइप हो जाएगा, यहाँ पे एन प्लस, यहाँ एन प्लस हो जाएगा और बाकी चीज़ें सेम होंगी। हाँ, जब हम बायसिंग करेंगे तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें वो बिल्कुल सेम ही रहेंगी। तो पी टाइप पी चैनल जे फिट भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। अब इसकी वर्किंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो गेट और सोर्स को हम जीरो पे रखते हैं, VGS को सबसे पहले हम जीरो वोल्ट पे रखते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। और पहले यहाँ हम बायसिंग कर लेते हैं, मान लो ड्रेन और सोर्स के बीच हम बायसिंग कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव से देंगे और इधर नेगेटिव, सोर्स को नेगेटिव देंगे जिससे इधर वाला हिस्सा हमारा फॉरवर्ड बायस में हो, और ड्रेन को हम, क्योंकि यहाँ भी एन है और इधर भी एन है, पूरा ये बार ही एन है, केवल यहाँ पी की डोपिंग है, तो यहाँ भी एन है इस साइड में भी और यहाँ भी एन है, तो यहाँ पे हमें इनपुट देना है। तो कुछ ऐसा रखेंगे कि यहाँ निगेटिव होगा और यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा ड्रेन से, तो इधर का हिस्सा एन पॉजिटिव से जुड़ेगा तो रिवर्स बायस, यानी इधर का जो पोर्शन है वो रिवर्स हो गया रिवर्स, और इधर का जो पोर्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है। और गेट टू सोर्स को हम अभी फ़िलहाल डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, गेट टू सोर्स, गेट से सोर्स में हम कोई बायसिंग नहीं दे रहे हैं, वो ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर VGS हमारा ज़ीरो है, VGS को हम सबसे पहले ज़ीरो पे लेते हैं। तो VGS को जब हम ज़ीरो वोल्ट पे रखेंगे और इसको बढ़ाएंगे, इसको DDS से रिप्रेजेंट करें या VDS से, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, सो VDS इज, VDS क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। अब जैसे जैसे हम VDS को बढ़ाएंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होगा, जैसे जैसे फॉरवर्ड बायसिंग होगी ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे चैनल से होते हुए आगे, और इधर का जो बीच वाला हिस्सा है इसी को हम चैनल बोलते हैं। अब एक चीज़ होगा, यहाँ यन है और इधर पी है, तो यहाँ और यहाँ हर जगह यन है, यहाँ पे इधर ये सारे यन है, एन चैनल है, तो यहाँ मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पी और एन जब साथ आएंगे तो इनके बीच एक जंक्शन फॉर्म होगा, और जंक्शन फॉर्म होगा तो फिर डिप्लीशन लेयर बनेगी, और डिप्लीशन लेयर के बारे में हमें पता है कि जहाँ फॉरवर्ड बायसिंग होती है वहाँ डिप्लीशन लेयर कम होती है, और जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायस की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे रिवर्स बायस की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर ज़्यादा बनती है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से चेंज होने लगता है, यहाँ डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी और ऐसे ऐसे इस तरह का। तो जो चैनल विथ है, चैनल विथ जिसको हम ये बोल रहे थे, यही हमारा चैनल था। तो चैनल विथ नीचे की तरफ तो चौड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं चैनल हमारा, चैनल का जो विथ है वो कम होता जाता है, और चैनल विथ डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे वीडियोज़ बढ़ाएंगे तो यहाँ मोर निगेटिव मोर पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा ज़्यादा रिवर्स होगा, और इधर से हम फॉरवर्ड बायस को बढ़ा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा इधर हम मोर पॉजिटिव करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ चैनल कम होता जाएगा, और चैनल की विथ कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारा ID जो है, जो कि पहले बढ़ रहा था VDS को देने की वजह से करंट हमें मिल रही थी, ID मीन्स ड्रेन करंट, ID जो ड्रेन करंट हमें मिल रहा था, ड्रेन करंट, वो अब धीरे धीरे रिड्यूस होगा,
तो जब VGS इक्वल टू जीरो रखते हैं तो हमें करंट मिलती है इसके बराबर, VGS जीरो होगा तो एक मैक्सिमम करंट मिलती है जिसको हम ड्रेन सोर्स या आउटपुट करेक्टरिस्टिक में दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे VDS और इधर ID। तो VGS पे हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, VGS इक्वल टू ज़ीरो, और इस वैल्यू पे जो हमें करंट मिलती है इसी को बोलते हैं IDSS, यानी ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट, इसको बोलते हैं ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट, यानी एक तरह से मैक्सिमम, और ये सैचुरेट कर जाता है क्योंकि चैनल के विड्थ लगभग बहुत पास आ जाती है, केवल पूरा कट ऑफ नहीं होता है, नहीं तो चैनल इतना करीब आ जाता है कि लगभग इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं, तो एक स्टडी वाली सिचुएशन आ जाती है, तो वहीं पे सैचुरेशन हमें मिलता है। उसके बाद हम जितना भी VDS को बढ़ा लें, इस VDS को कितना भी इंक्रीज़ करें, लेकिन करंट हमारा इंक्रीज़ नहीं करता, तो मैक्सिमम करंट भी एक तरीके से JFET के थ्रू इतना ही मिलता है, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। अब दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे, ये तब है जब VGS की वैल्यू ज़ीरो है, और जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, और यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम निगेटिव में रखते हैं, निगेटिव में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम गेट को निगेटिव करेंगे, गेट को जब हम निगेटिव से देते हैं और सोर्स को पॉजिटिव कर देंगे, तो गेट जब हमारा निगेटिव से जुड़ेगा, गेट को जब हम निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डिप्लीशन लेयर बढ़ना शुरू होगी, और क्योंकि यहाँ पे हम निगेटिव दे रहे हैं तो पी को जब हम निगेटिव देंगे, ये पी पार्ट है गेट के पास, जो हैवली डोप्ड रीजन था वो पी वाला था, तो पी को जब हम निगेटिव देंगे तो क्या होगा, पी को जब हम निगेटिव देंगे तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर और इंक्रीज़ होगी, तो जो हमें पिंच ऑफ वोल्टेज, उसी को बोलते हैं जिस VDS के वैल्यू पे, पिंच ऑफ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो वैल्यू जहाँ पे करंट सैचुरेट कर जाती है वही वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज थी। तो VDS को जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे थे, एक समय ऐसा आएगा कि करंट सैचुरेट कर जाएगी, वही वैल्यू हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज है, और जब गेट सोर्स वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि चैनल पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, और उस समय हमें मिलता है ID इक्वल ज़ीरो, यानी ड्रेन करंट बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे सोर्स टू ड्रेन। तो उस केस में हमें फिर कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स बढ़ाएंगे, ऐसा मान लीजिए VGS इक्वल टू -1, VGS इक्वल टू ये वोल्ट, VGS इक्वल टू -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, इस तरीके से हम अगर डिक्रीज़ करते जाएंगे तो ज़ीरो की तरफ करंट टेंड करती है हमारी ड्रेन करंट। तो इसी ग्राफ को हम बोलते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, आउटपुट करैक्टरिस्टिक, या इसी को बोलते हैं ड्रेन करैक्टरिस्टिक। तो ये कुछ आइडिया था, ये सारा सैचुरेट कर जाएगा इस तरह से, ड्रेन करैक्टरिस्टिक। इसी तरीके से ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक भी हम इसके लिए निकाल सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ड्रेन करैक्टरिस्टिक हमारा तो होता है कि ID और VDS के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और VGS हमारा कॉन्स्टेंट होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखते हैं, यानी जो ग्राफ होगा हमारा बिटवीन VDS और ID और VGS की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। दूसरा ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक का प्लॉट हम बनाते हैं, ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स हम ग्राफ बनाते हैं VGS और ID के बीच में, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम VGS को निगेटिव में लेते हैं इस तरह से, तो एक समय ऐसा आता है कि ID बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ID यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, डिक्रीजिंग ID ज़ीरो है, और यहाँ पे VDS मान लीजिए हम फिक्स कर दिए हैं कुछ VDS 3 वोल्ट,
या 2 वोल्ट जो भी, तो और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं VGS कट ऑफ। VGS की वो वैल्यू जहाँ पे ID हमें 0 मिलता है, VDS तो हमारा फिक्स होगा, यानी यहाँ जो हमने वोल्टेज लगा रखा है इसको हम फिक्स कर लेंगे। अगर हमें ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक देखना है तो VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद VGS को वेरी कराएंगे, और जितना नेगेटिव हम देंगे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से, तो करंट हमारी डिक्रीज़ होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि करंट बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और इसी वोल्टेज को बोलते हैं VGS ऑफ, या इसको कट ऑफ भी बोल सकते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। VGS की वो वैल्यू, गेट टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू जिस पे ID का मान ज़ीरो हो, ड्रेन करंट ज़ीरो हो, उसे बोलते हैं VGS ऑफ, और इसी को पिंच ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, VP से डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम VDS को और कम करते हैं, VDS की वैल्यू मान लो और कम हम लेते हैं 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, तो हमें और जल्दी मतलब VGS कट ऑफ की वैल्यू और कम हो जाएगी। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, और ये वाली जो वैल्यू है मैक्सिमम, इसको बोलते हैं IDSS, यही वाला वैल्यू जो उसमें था ड्रेन सोर्स सेचुरेशन करंट। तो अगर हम VDS को और कम पे ले लें, मान लो ये वाला ग्राफ जो था वो ड्रेन सोर्स वोल्टेज 3 वोल्ट था, अगर हम 2 वोल्ट पे इसको ले लें तो ये हम और पहले पाएंगे, ID भी हमारा डिक्रीज़ कर जाएगा, अब IDSS ये हो जाएगा, और VGS ऑफ की वैल्यू घट जाएगी, जो पहले -6 पे थी अब वो -4 हो जाएगी। उसी तरीके से मान लो 1 वोल्ट पे अगर हम कर लेते हैं तो IDSS हमारा और नीचे आएगा, यानी अगर हम VDS को कम वोल्टेज पे रखेंगे तो बहुत जल्दी VGS हम बहुत कम लगाएंगे, जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो बहुत कम लगाएंगे, तब भी हमें कट ऑफ मिल जाएगा, यानी ID की वैल्यू 0 हो जाएगी, कट ऑफ वोल्टेज जल्दी मिल जाएगा, जो बाद में मिलता था वो पहले ही मिल जाएगा। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से हम बहुत तेज़ी से करंट को कंट्रोल कर सकते हैं इस ID को। तो ये था हमारा ड्रेन का, ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन सोर्स वोल्ट करंट, ये वाला, इसी को म्यूचुअल करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इस वाले को। तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा बुक से भी हेल्प लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे काफ़ी चीज़ें सब हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब इसमें इसके कुछ पैरामीटर हैं, JFET के पैरामीटर, तो वो देख लेते हैं जल्दी से। इसमें 3 पैरामीटर हैं JFET के, एक है आपका पहला ड्रेन रेजिस्टेंस, ड्रेन रेजिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल RD से, और दूसरा है ट्रांस कंडक्टेंस GM से इसको डिनोट करते हैं, और तीसरा है ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, और थर्ड होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तीनों पैरामीटर कहलाते हैं JFET के पैरामीटर। तो पैरामीटर्स ऑफ JFET, तो जिस तरीके से हम एन चैनल को किए हैं उसी तरीके से हम पी चैनल को भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ड्रेन रेजिस्टेंस डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन ड्रेन करंट, चेंज इन ड्रेन करंट। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन ड्रेन करंट। GM क्या होगा? GM होता है हमारा ID अपॉन, या ये कंडक्टेंस है तो हाँ ठीक है, तो चेंज इन ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज, टू द चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज। और उसी तरीके से म्यू होता है हमारा डेल्टा VDS, यानी चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द रेशियो ऑफ चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरामीटर, RD, GM और म्यू, और इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है जो बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
अगर हमें तीनों का डेफिनेशन पता है कि ड्रेन और ट्रांस कंडक्टेंस और एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या है, तो इनका रिलेशन निकालना बहुत आसान है। करना क्या है, आर डी इंटू जी एम, यानी आर डी में मल्टीप्लाई कर दीजिए जी एम का। तो आर डी क्या है, डेल्टा वी डी एस अपॉन डेल्टा आई डी इंटू डेल्टा आई डी अपॉन डेल्टा वी जी एस। तो हमें आई डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वी डी एस अपॉन डेल्टा वी जी एस, ये है आर डी इंटू जी एम, और यही तो है म्यू की वैल्यू। तो हमें रिलेशन मिल गया फाइनली, म्यू इक्वल आर डी इंटू जी एम। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन जेफेट पैरामीटर्स। ये सभी पैरामीटर्स के बीच ये रिलेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ामों में रिलेशंस पूछ देता है, इंट्रेंस वगैरह में ऑप्शंस में आ जाते हैं कि कौन सा रिलेशन सही है एमएससी वगैरह में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है उस हिसाब से। तो जेफेट का पार्ट लगभग यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे कायदे से तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है इसमें, तो जेफेट का जो पार्ट था जेफेट वाला वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे जो मॉस्फेट वाला हिस्सा है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।